वेलकम टू माय चैनल स्टडी गोल। स्टडी गोल के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये पंजाब जीके पार्ट 2 है। जो यूजर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वे पहले पार्ट 1 देख ले। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं पंजाब जीके पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन। हॉलीवुड फिल्म द ब्लैक प्रिंस हैज बीन मेड ऑन उस लाइफ। जो हॉलीवुड फिल्म थी ब्लैक प्रिंस वो किनके जीवन के ऊपर बनी थी। ऑप्शन है महाराजा रणजीत सिंह, खड़क सिंह, दिलीप सिंह या महाराजा आला सिंह। जो इसका सही आंसर है वो है महाराजा दिलीप सिंह, ऑप्शन सी। और महाराजा दिलीप सिंह महाराजा रणजीत सिंह के बेटे थे, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृता प्रीतम रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्री। अमृता प्रीतम को ज्ञानपीठ अवार्ड इनमें से किस पोएट्री के लिए दिया गया था। ऑप्शन है सुनहरे पिंजार, कागज से कैनवस या कस्तूरी। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कागज से कैनवस। और अमृता प्रीतम इस अवार्ड को लेने वाली पंजाब की फर्स्ट फीमेल थी और इंडिया की दूसरी फीमेल थी। और आज तक सिर्फ 2 पंजाबी राइटर को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, एक अमृता प्रीतम और दूसरे थे गुरदयाल सिंह। और गुरदयाल सिंह की 2016 में मृत्यु हो गई थी। ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिलरुबा। दिलरुबा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इनमें से किस गुरु ने इन्वेंट किया था। ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु हर राय जी या गुरु अर्जुन देव जी। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है गुरु गोविंद सिंह जी, ऑप्शन ए। जो दिलरुबा इंस्ट्रूमेंट था वह तोस इंस्ट्रूमेंट से ओरिजिनेट हुआ था और तोस इंस्ट्रूमेंट गुरु हर गोविंद जी ने बनाया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज नोन एज पंजाब केसरी और शेरे पंजाब। इनमें से किसको पंजाब केसरी और शेरे पंजाब कहा जाता है। ऑप्शन है भगत सिंह, लाला लाजपत राय, उधम सिंह या करतार सिंह सराभा। जिसका सही आंसर है वो है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोक डांस इज नॉट परफॉर्म बाय फीमेल्स इन पंजाब। इनमें से कौन सा फ्लोक डांस है जो पंजाब की फीमेल के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता। ऑप्शन है सम्मी, गिद्दा, मलवई गिद्दा या जागो। इनमें से जो डांस परफॉर्म नहीं करती फीमेल्स वो है मलवई गिद्दा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट कंपाइलेशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब इंस्टॉल इन हरिमंदर साहिब। जो गुरु ग्रंथ साहब की इंस्टॉलेशन हरिमंदर साहब में वो कब हुई थी। ऑप्शन है 1604, 1704, 1644 या 1744। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 16 अगस्त 1604, ऑप्शन ए। और गुरु ग्रंथ साहब को पहली बार लिखा था भाई गुरदास जी ने और लिखवाया था गुरु अर्जन देव जी ने। और गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले जो ग्रंथी थे वो बुड्ढा जी, जिन्हें हम बाबा बुड्ढा जी के नाम से भी जानते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ पंजाबी सूबा मूवमेंट। पंजाबी सूबा मूवमेंट के प्रोमिनेंट लीडर कौन थे। ऑप्शन है मास्टर तारा सिंह, कपूर सिंह, गुरदत्त सिंह या चरणजीत सिंह अटवाल। जिसमें सही आंसर है वह है मास्टर तारा सिंह। जो प्रोमिनेंट लीडर थे पंजाबी सूबा मूवमेंट के वो थे मास्टर तारा सिंह और संत फतेह सिंह, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गुरु नेम एज बाला पीर। इनमें से किस गुरु को बाला पीर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु हर कृष्ण जी या गुरु हर राय जी। जो उसका सही आंसर है वह है गुरु हर कृष्ण जी बालापीर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आया
चक नानकी वाज फाउंडेड बाय, जो चक नानकी विलेज था उसके फाउंडेड कौन थे? ऑप्शन है गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु नानक देव जी, गुरु राम राय जी। जो चक नानकी विलेज के फाउंडेड थे वो थे गुरु तेग बहादुर जी। बाद में इनका नाम बदलकर गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब रख दिया था। सही, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज फर्स्ट एवर पंजाबी ऑथर टू गेट साहित्य अकेडमी अवार्ड? इनमें से किस ऑथर को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था फर्स्ट? ऑप्शन है नानक सिंह, अमृता प्रीतम, या भाई वीर सिंह, या अजीत कौर। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है भाई वीर सिंह, फर्स्ट एवर पंजाबी ऑथर टू गेट साहित्य अकेडमी अवार्ड। और अमृता प्रीतम थी फर्स्ट फीमेल जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, और भाई वीर सिंह को ये अवार्ड मिला था 1955 में, 1955। और जिस बुक के लिए मिला था वो बुक थी मेरे साइया जियो। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सिख क्वाइन एंड ऑफिशियल सील इन द नेम ऑफ गुरु नानक देव जी एंड गुरु गोबिंद सिंह जी वाज इंट्रोड्यूस बाय। जो फर्स्ट सिख क्वाइन एंड ऑफिशियल सील थी गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी के ऊपर, वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? ऑप्शन है महाराज रंजीत सिंह, बाबा दीप सिंह, बाबा बंद सिंह बहादुर, या बाबा अला सिंह। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बाबा बंद सिंह बहादुर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब हैज हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया? इनमें से पंजाब की किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है? ऑप्शन है अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, या लुधियाना। जो इसका सही आंसर है वो है होशियारपुर, ऑप्शन सी। होशियारपुर में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट बर्ड ऑफ पंजाब इज? ऑप्शन है गोशाख, ईगल, पीकॉक, या स्वैन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोशाख, जिसे हम बाज भी बोलते हैं, बाज। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी अपना स्टेट एनिमल्स है, स्टेट एनिमल कौन सा है पंजाब का, तो वह है ब्लैक बक। ब्लैक बक जो पंजाब का स्टेट एनिमल्स है, और जो स्टेट ट्री है पंजाब का वह है शीशम। ये प्लीज आप नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोशाख, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा कल्लूकारा टुक प्लेस इन, छोटा कल्लूकारा जो हादसा हुआ था वो कब हुआ था? 1745, 1746, 1764, या 1770 को? जो छोटा कल्लू का हादसा हुआ था वो हुआ था 1746 को। और जो छोटा कल्लू का है वो है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कानून में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन पंजाब बिटवीन, द फर्स्ट रेलवे लाइन जो पंजाब में वो कहां से लेके कहां तक चली थी, वो थी? ऑप्शंस हैं लाहौर टू अमृतसर, अमृतसर टू दिल्ली, मुल्तान टू लाहौर, या अमृतसर टू मुल्तान। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अमृतसर टू मुल्तान। जो फर्स्ट रेलवे लाइन इन पंजाब में थी चली थी वो थी अमृतसर टू मुल्तान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ पंजाब? इनमें से सबसे बड़ा वेटलैंड पंजाब में कौन सा है? ऑप्शन है कंजली वेटलैंड, हरिके वेटलैंड, रोपड़ वेटलैंड, या नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरिके वेटलैंड, जिन्हें और हरिके वेटलैंड को हम हरिके पत्तन भी बोलते हैं। ऑप्शन बी है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल नेम ऑफ बाबा बंदा सिंह बहादुर बाज, बाबा बंदा सिंह बहादुर का ओरिजिनल नेम क्या था? ऑप्शन है लक्ष्मण देव, ओगरनाथ, रामदास, या हरिदास।
जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है लक्ष्मण देव। बाबा बंदा सिंह बहादुर का ओरिजिनल नेम क्या था? लक्ष्मण देव। और बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज करके रख दिया था माधो दास, और गुरु गोबिंद सिंह जी ने इन्हें नाम दिया था बाबा बंदा सिंह बहादुर। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले जाए कि बाबा बंदा सिंह बहादुर को नाम किसने दिया था, वो थे गुरु गोबिंद सिंह जी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, लक्ष्मण देव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज फर्स्ट रिकॉर्डेड पोएट इन पंजाबी लैंग्वेज। इनमें से फर्स्ट रिकॉर्डेड पोएट इन पंजाबी लैंग्वेज में कौन थे? ऑप्शन है बुले शाह, बाबा फरीद, गुरु नानक देव जी या हाशिम शाह। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बाबा फरीद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ दिलीप कौर टिवाणा इज। दिलीप कौर टिवाणा की ऑटोबायोग्राफी इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है एहो हमारा जीवन, अग्नि प्रीक्षा, तुम्हारी कथा कही न जाए या नंगे पैरों का सफर। इनमें से सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नंगे पैरों का सफर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पंजाब इज लोकेटेड इन विच सिटी। पंजाब में जो स्टॉक एक्सचेंज है वो किस सिटी में? ऑप्शन है चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर या होशियारपुर। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, लुधियाना, ऑप्शन बी। तो ये थे अब तक के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूले। और इस वीडियो के ऊपर हमने अपने फेसबुक लिंक दिया है, कृपया इसे भी ज्वाइन करें। और मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।